एएलबी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया है। x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 152, x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इक्वल टू 0। अब ये x स्क्वायर है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसका कोफिशिएंट कितना बन रहा है 152 से मल्टीप्लाई करें। ये प्लस का है, ये माइनस का है। अगर ये प्लस और माइनस के हों तो इन दोनों को भी प्लस माइनस का होना चाहिए। अब 11 के हमने दो पार्ट बनाने हैं ना, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। साफ जाहिर है 11 से बड़ा होगा तो हम 11 बचाएंगे ना। जैसे अगर हम माइनस का 12 लें, प्लस का 1 लें, फिर माइनस 11 बचेगा। तो 11 से बड़ा करना है। अगर ये दोनों प्लस के होते तो हम 11 के दो पार्ट बनाते, जैसे 10 और 1, 9 और 2, 8 और 3, इसको जो है ना डिवाइड करते। लेकिन अब ये दोनों डिफरेंट हैं तो इससे बड़ा लेना होगा, 12, 13, 14 अप टू 1 ऐसे आगे। तो x स्क्वायर माइनस, अब ये बन रहा है 19x माइनस, माइनस का 19 है ना, बड़ी वैल्यू माइनस की होनी चाहिए, दूसरा होगा प्लस का 19 और 8। 19 में से प्लस का 8 निकालें तो बाकी माइनस का 11 बचता है। ये पूरा हो गया ना, माइनस 19x प्लस 8x इक्वल टू माइनस 11x बनेगा, माइनस 152 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको लिखें x स्क्वायर, बल्कि इसमें से x कॉमन लें, x इंटू x माइनस 19 प्लस इसमें से 8 कॉमन लें, x माइनस 19 इक्वल टू 0। x माइनस 19, x माइनस 19 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचेगा, x प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें आप देखें या तो ये जीरो है या ये जीरो है। x माइनस 19 इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 19 और x इक्वल टू माइनस 8, तो सॉल्यूशन सेट आएगा माइनस 8 और 19। ये हमने बताना था, ये एएलपी का ये वाला क्वेश्चन था। आगे एक और क्वेश्चन है एएलपी का, ये वाला। इसमें देखें x और x प्लस 1 एलसीएम बन रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x है ना, इसका एलसीएम बन रहा है x इंटू x प्लस 1, तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, प्लस x ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई x ओवर x करेंगे इक्वल टू 125 ओवर 12। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, x प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे x इंटू x प्लस 1 नजर आ रहे हैं। अच्छा, देखें आगे, प्लस x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, नीचे x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 25 ओवर 12। अब क्या करना है, जब ये एलसीएम बन रहा है तो एक ही लाइन ले लें ऐसे, ठीक है, x इंटू x प्लस 1 जो है, और ये सेम हो तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा, x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस ए बी, 2ab मतलब 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, बस x का स्क्वायर इक्वल टू 25 ओवर 12। क्रॉस मल्टीप्लाई बनता है, पहले इनको अरेंज कर लें। ये लिखें x square plus x square
2x square plus 2x plus 1 over, इसको लिखें x का square plus x equal to 25 over 12, 25 over 12, ये आ, अब थोड़ा सा आगे बचता है, इसके लिए जगह बनानी होगी. जहां तक समझ ना आई हो तो मुझे बता दो, कोई बात. दोबारा देख लें, एलसीएम लिया है x प्लस वन इंटू एक्स जे और इसके साथ x लगा है, ऐसे हो गया. अच्छा, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है, नीचे एलसीएम जे बन गया, x स्क्वायर हो गया. इसके बाद एक लंबी सी लाइन लेंगे, x इंटू एक्स प्लस वन एलसीएम है, ये ऐसे लिख देंगे, इसको वैसे लिख देंगे, इक्वल टू 25 ओवर 12 हो गया. ठीक है, अब इनको अरेंज कर लें, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर ये हो गया. ठीक है, अब जो इसके दो स्टेप्स बाकी बच रहे हैं वो क्या है, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस ऊपर वाली वैल्यू को इस नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नीचे वाली को इस ऊपर वाली से कर देंगे. ठीक है, अच्छा देखें, 25 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई करें, 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे समझ आई है नहीं आई? अच्छा, 25x का स्क्वायर हो गया, फिर 25x इक्वल टू 12 2s are 24x square plus 24x plus 12. समझ आई है ना, 12 को 2 से 24, फिर 12 को 2 से 24, 12 1s are 12 लिखा है. अच्छा, अब क्या करेंगे, एक ही साइड पे ले आए, इक्वल टू 0 कर दें, जान छुड़वाएं, 25x का square minus 24x का square, फिर 25x माइनस 24x. अब ये आखिरी 12 बच रहा है, प्लस का 12 है, इधर हम माइनस का 12 लिखेंगे, इक्वल टू 0. अच्छा, इधर क्या आएगा, इधर लिखेंगे हम 25 माइनस 24 1x का स्क्वायर, और 25 माइनस 24 प्लस का 1x माइनस 12 इक्वल टू 0. अब सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, 12x स्क्वायर, ये माइनस का है, ये प्लस का है. पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि अगर एक माइनस की वैल्यू हो दूसरी प्लस की हो तो हम क्या करते हैं, इसके दो पार्ट्स इस तरीके से बनाते हैं कि इससे बड़े होने चाहिए. ये 1x है तो इससे बड़े बनाने हैं, मतलब 2x 3x 4x 5x वहां से स्टार्ट करेंगे. तो हमने इसको 1x को बनाना है 12, कोई ऐसा टेबल बनाए, ऐसा टेबल जिसमें मल्टीप्लाई करें और 12 आ रहा हो, 12 के टेबल पे जैसे स्टार्ट से 2 6 12, तो उनके दरमियान 4 का डिफरेंस है, लेकिन हमने 1 का डिफरेंस लेकर आना है. फिर 2 के बाद 3 वाला आता है, 3 मल्टीप्लाई 4 12 बनता है. तो ये मेरे ख्याल से सही लग रहा है ना, है? लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0. देखें, 4x माइनस 3x 1x बच रहा है, 4 मल्टीप्लाई 3 12 बन रहा है. अच्छा, दूसरी बात, ये माइनस का था, ये प्लस का है, तो इधर भी एक माइनस का एक प्लस का आना था. ठीक है, कंडीशंस पूरी हो गई. अब हमने इसमें से x कॉमन लेना है, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लें, x प्लस 4 इक्वल टू 0. x प्लस 4 दोनों में कॉमन है तो लिखेंगे x प्लस 4 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0. इधर
एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अच्छा x इक्वल टू माइनस फोर और x इक्वल टू थ्री, सॉल्यूशन सेट आ गया माइनस फोर और थ्री, ये आंसर है आपका। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।